हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नोट्स एजुकेशन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट्स नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। इसमें ऑल सब्जेक्ट हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी पोस्ट अलग अलग हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट परमानेंट है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। सभी पोस्ट की सैलरी मेंशन की हुई है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये वैकेंसीज कहाँ से आई हुई हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एट 3 डेली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द सेशन 2022-2023, यानी 2022-2023 सेशन के लिए दिल्ली बेस्ड 3 स्कूल में वैकेंसीज आई हुई हैं। वो 3 दिल्ली बेस्ड स्कूल हैं, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, द एयरफोर्स स्कूल, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। इन 3 स्कूलों के लिए भर्ती आई हुई है। इसमें कुछ परमानेंट पोस्ट हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। इस वैकेंसी की एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट हुई है 4 मई 2022 को। इसके सबमिशन की लास्ट डेट है 15 मई 2022। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो है 300 रुपीज़। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है और जीमेल कर देना है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके भेजना है। इधर सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री के मार्कशीट्स हो गए, बीएड डिग्री के सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। आप चेक कर लीजिएगा डिटेल्स में। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो 24 मई को वेबसाइट पर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद उसके लिए रिटर्न टेस्ट होगा 29 मई 2022 को। इसमें पोस्ट बहुत सारे पोस्ट हैं, पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट हैं, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट हैं, टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा द एयरफोर्स स्कूल सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली में। लोकेशन ऑफ द स्कूल नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम धावला कॉन मेट्रो स्टेशन। इसमें पीजीटी की रेगुलर पोस्ट है साइकोलॉजी की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स, साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री होना चाहिए। सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 36 ईयर फॉर मेल है, मेल कैंडिडेट के लिए 36 ईयर बिलो होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। पीजीटी कॉमर्स रेगुलर पोस्ट है, इसके लिए भी एज लिमिट है मेल के लिए 36 ईयर, बिलो 36 ईयर और फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। पीजीटी सोशियोलॉजी की जो पोस्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी संविदा भर्ती पर है। इसमें एज लिमिट 55 ईयर है। पीजीटी केमिस्ट्री एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, इसके लिए भी एज लिमिट 55 ईयर है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। नेक्स्ट पोस्ट पीजीटी इंग्लिश की है, इसमें जो पोस्ट है वो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यानी कि रेगुलर पोस्ट भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट पर भी है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सीटेट होना ज़रूरी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो बिलो 36 ईयर फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो पोस्ट हैं उसके लिए एज लिमिट 55 ईयर दी गई है। टीजीटी इंग्लिश के लिए रेगुलर पोस्ट है, इसमें एज लिमिट है फीमेल के लिए 32 ईयर्स बिलो और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर। टीजीटी हिंदी संस्कृत की रेगुलर पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत हिंदी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट दोनों हैं। सभी पोस्ट की अलग अलग डिटेल्स दी हुई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारा चीज़ दिया हुआ है। इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कर लीजिए। पीडीएफ काफ़ी लंबा है, सभी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। टीजीटी साइंस फिजिक्स, इसमें भी बहुत पोस्ट हैं, रेगुलर भी है और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी है। इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए फिजिक्स से। सीटेट में 2 पेपर्स क्वालिफाइड होनी चाहिए। इसमें भी एज लिमिट 55 ईयर है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट हैं, जो संविदा पोस्ट हैं, उनमें जो एज लिमिट दी हुई है वो 55 ईयर है। बाकी रेगुलर पोस्ट के लिए अलग अलग है।
आप चेक कर लीजिएगा। टीजीटी साइंस केमिस्ट्री की रेगुलर पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री रेगुलर पोस्ट है, टीजीटी जियोग्राफी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। टीजीटी में वोकल म्यूजिक की भी पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड में है। टीजीटी में काउंसलर की भी पोस्ट है। इसमें पीआरटी में जनरल की पोस्ट है जो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट पर है। रेगुलर के लिए एज लिमिट मेल्स कैंडिडेट्स के लिए बिलो 30 ईयर्स, फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे पोस्ट है उनकी एज लिमिट 55 ईयर दी गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट हैं उनमें एज लिमिट ज़्यादा दी हुई है। पीआरटी काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट पर है। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर है कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन है रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है। पीआरटी फुटबॉल कोच कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी बास्केटबॉल कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी टिकोंडो कोच कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी योगा इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी एथलेटिक कोच कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी आर्चेरी कोच कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी बैंड इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी वेस्टर्न म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट। पीआरटी वेस्टर्न डांस कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी इंडियन क्लासिकल डांस कॉन्ट्रैक्ट पर। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट पर। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी विथ 50% मार्क्स है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन एमएस ऑफिस टूल्स ऑनलाइन टीचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 27 ईयर्स दी हुई है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री रेगुलर पोस्ट जो है उसके लिए भी बीएससी के साथ 50% मार्क्स, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 2 ईयर की एक्सपीरियंस और कंप्यूटर की नॉलेज एंड रीड एंड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। एज लिमिट 27 ईयर। लैब असिस्टेंट एटल ट्रिंकरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर। सेक्शन ऑफिसर रेगुलर पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 27 ईयर। असिस्टेंट एडमिन रेगुलर पोस्ट। असिस्टेंट अकाउंट्स रेगुलर पोस्ट। एलसीडी एडमिन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं। एलडीसी अकाउंट्स रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं। मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पर। नर्सिंग असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर। बाकी सारा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। इसके पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 24 मई को आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद 29 मई को आपका रिटर्न टेस्ट होगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।